जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 3 जिसका नाम है धातु और अधातु उससे संबंधित VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग करेंगे। दोस्तों यह वीडियो धातु और अधातु का पार्ट 2 वीडियो है। चलिए दोस्तों और अपने क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सोल्डर, ऑप्शन नंबर बी है स्टील, ऑप्शन नंबर सी है गन मेटल, ऑप्शन नंबर डी है उप धातु। तो दोस्तों सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यह है दोस्तों, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी है क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम, ऑप्शन नंबर डी है सल्फर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम। दोस्तों सोडियम लिथियम ये सब क्षार धातु है, अवर सारणी के वर्ग फर्स्ट के समूह है, इस सभी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। इसमें सोडियम लिथियम और इत्यादि तत्व आ जाते हैं, इन सबको चाकू से काटा जा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है दोस्तों, निम्न में से कौन उपधातु है, निम्नांकित में से कौन उपधातु है। ऑप्शन नंबर ए है Fe यानी कि फेरस लोहा, ऑप्शन नंबर बी है Ca यानी कि कॉपर यानी कि तांबा कहते हैं इसको, ऑप्शन नंबर सी है Na यानी कि निकल, ऑप्शन नंबर बी है यानी कि बोरॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोरॉन। बोरॉन क्या है, तो बोरॉन एक प्रकार का उपधातु है। चलिए दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन यह है दोस्तों, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो पेंसिल के लिखने वाला भाग होता है उसी को ग्रेफाइट कहते हैं, तो वह एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। दोस्तों पाँचवा नंबर यह है क्वेश्चन, निम्न में किस धातु को किरोसी में डुबा कर रखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम। सोडियम को किरोसी में डुबा कर रखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है छठा नंबर, निम्न में कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है। निम्न में से कौन अधातु को पानी में डुबा कर रखी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस एक ऐसा धातु है जिसको पानी में डुबा कर रखना पड़ता है। चलिए दोस्तों सातवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा सही। दोस्तों आठवां नंबर यह है क्वेश्चन, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह है, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह सोनोरस है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि यह सोनोरस है, इसलिए स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है। नौवा नंबर यह है क्वेश्चन, शीशा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि शीशा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों दसवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों दसवां नंबर यह है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। चलिए दोस्तों ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन यह है दोस्तों, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है, यह धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यह धातु के धात्विक चमक को प्रदर्शित करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बारहवां नंबर क्वेश्चन यह है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो इसे क्या कहेंगे। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु क्या हो पारद तो इसे क्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो इसको ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको अम्लगम कहते हैं, इसको अम्लगम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तेरहवां नंबर यह है क्वेश्चन दोस्तों, लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले विस्थापित करने के लिए जो लोहा है ना उससे कम अभिक्रियाशील होना चाहिए, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मतलब ऑप्शन है जो लोहा से कम अभिक्रियाशील है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, तो सोडियम ये लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है, पोटेशियम ये भी लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम ये भी लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है, लेकिन दोस्तों कॉपर ये लोहा से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉपर। लोहा निम्न से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है, तो दोस्तों कॉपर को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है दोस्तों, चौदहवां नंबर, शुद्ध सोना होता है। तो दोस्तों शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन यह है, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या है? सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन यह है, लेड ऊष्मा का क्या होता है? तो लेड ऊष्मा का अचालक होता है, यानी कि कुचालक या अचालक उसी को कहते हैं, लेड ऊष्मा का कुचालक होता है। 17वां नंबर क्वेश्चन यह है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मरकरी, इसको पारा भी कहते हैं, जो थर्मामीटर में भरा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन यह है, 18वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, धातुए ऊष्मा एवं विद्युत के होती है, तो धातुए ऊष्मा एवं विद्युत के चालक होती है, इसको सुचालक भी कहते हैं। धातुए ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होती है? तो चालक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 19वां नंबर क्वेश्चन यह है, धातुए आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है? तो दोस्तों धातुए आवर्त सारणी में बाई ओर स्थित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। धातुए आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है? तो बाई ओर केंद्र में स्थित होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन यह है, अधातवी आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है? तो दोस्तों अधातवी आवर्त सारणी में दाई ओर पाई जाती है, और धातुए किधर? तो धातुए बाई ओर और अधातुए दाई ओर पाई जाती है। चलिए दोस्तों याद रखिएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस धातु तत्व का संयोजकता कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस धातु का संयोजकता कहा जाता है। चलिए दोस्तों 22वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन यह है, धातुओं को पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। धातुओं को पीट पीट कर पतले तार बनाई जाती है, इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 23वां नंबर क्वेश्चन यह है दोस्तों, कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोज कर धातु के क्या बनाते हैं? तो दोस्तों कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु के क्या बनाते हैं? तो धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 24वां नंबर क्वेश्चन यह है, धातुए जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? तो दोस्तों धातुए जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातुए जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? तो हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 25वां नंबर यह है क्वेश्चन, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक को क्या कहते हैं? धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयनिक यौगिक। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 26वां नंबर क्वेश्चन यह है, 26वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अधातुए हैं, यानी कि इस चारों ऑप्शन में कौन अधातु है? तो ऑप्शन नंबर ए है सी यानी कि कार्बन, ऑप्शन नंबर बी है जेड यानी कि जिंक, ऑप्शन नंबर सी है एम जी यानी कि मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी डी है एफ यानी कि फेरस बोले तो लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन। कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 27वां नंबर क्वेश्चन यह है दोस्तों, 27वां नंबर क्वेश्चन, सताईसवां नंबर क्वेश्चन यह है दोस्तों, मिश्र धातु कांसा होते हैं, मिश्र धातु कांसा होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। मिश्र धातु कांसा क्या होते हैं? तो विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अट्ठाईसवां नंबर क्वेश्चन यह है दोस्तों, अट्ठाईसवां नंबर क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो दोस्तों धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो क्षार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यह है, उनतीसवां नंबर क्वेश्चन, धातुएं के ऑक्साइडों को क्या कहते हैं? धातु के ऑक्साइडों को क्या कहते हैं? तो धातु के ऑक्साइड को भस्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, धातु के ऑक्साइड को भस्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन यह है दोस्तों, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाता है। दोस्तों अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाता है और धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाता है, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी है ना तो हमारे इस चैनल स्टडी एस के मस्ती को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।